अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ तैमूर यार खान। आप सबका अपना प्यार। इस वक्त जो है सुबह के तकरीबन 5:40 हो रहे हैं और मेरे घर पे सब सो रहे हैं। अभी मैं उठा हूँ क्योंकि मेरे फ़ोन में अलार्म लगा हुआ था, मैंने अलार्म लगा के सोया था। 6:20 पर नमाज है तो सवेरे मैं तैयार हो जाता हूँ। यूजुअली ऐसा होता नहीं है, हम लोग जो है इस वक्त घर से बाहर ही होते हैं क्योंकि तैयारी कर रहे होते हैं, तो हम लोग बिल्कुल नमाज से 15-20 पहले ही घर आते हैं। लेकिन कोरोना की वजह से क्योंकि सब कुछ बंद है और कुछ करने को है ही नहीं, तो हम लोग फिर इस टाइम पे सो ही रहे थे। सब फजर की नमाज़ पढ़ी थी, फिर दोबारा सो गए थे। तो अब पहले मैं तैयार हो जाता हूँ, फिर मैं बाकी सबको उठाता हूँ, उनको बोलता हूँ कि भाई तैयार हो जाओ क्योंकि 6:20 पर नमाज़ है, कोई 50 रह गए उसी के अंदर सब कुछ करना है। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यार मैं तैयार हो गया हूँ, अब लग रहा है थोड़ा सा कि चलो ईद है क्योंकि आप बार बार सुन रहे, खुतबे की आवाज़ भी आ रही है। कुर्ता मैंने पहना था, थोड़ा सा बड़ा साइज मैंने आप लोगों को दिखा दिया, लेकिन उसको अभी ऐसे ही फिलहाल बर्दाश्त करना पड़ेगा क्योंकि ऑर्डर भी हो नहीं सकता है, सब कुछ बंद है। 2 तक तीसरे दिन सब कुछ खुलेगा, तो खैर अभी नमाज का टाइम होने वाला है तो लेट्स गो। हम लोग पहले नमाज पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर वापस आते हैं। अभी वही यूजुअली एज यूजुअल सोना ही है। ना कोई बंदा था, ना कोई बस्ती, ना कोई शहर, ना कोई देखभाल करने वाला। अल्लाह के सपोर्ट किया तो अपने अहल वयाल को कुर्बान किया, हजरत इस्माइल अलैहि सलाम को कुर्बान किया, और फिर जब बारी आई तो आपने अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द सेरोजन नमाज पढ़ के आके वापस बैठ गया हूँ मैं अपनी जगह पे। आप लोग यकीनन ये सोच रहे होंगे कि भाई इसने हम लोगों को तो कुर्बानी का जानवर ही नहीं दिखाया है, बकरा ईद है और कुर्बानी का जानवर नहीं है। तो यार वो कुर्बानी का जानवर इसलिए नहीं, कोरोना की वजह से हम लोगों ने इस दफा घर पे कुर्बानी नहीं करी है। जो भी था हम लोगों ने हिस्से दे दिए थे, जिसमें से एक हिस्सा हमारे घर पर आ जाएगा, बाकी जो बाकी हिस्से हैं वो चैरिटी में चले जाएंगे। तो इस वजह से कोरोना की वजह से इस दफा कुर्बानी नहीं हुई। तो इफेक्ट कैसे आया है कोरोना का मेरी ईद पर या हमारे घर की ईद पर, वो इस तरीके से आया कि भाई जब सुबह सुबह कुर्बानी नहीं हो रही तो सब जाकर दोबारा अपने कमरों में सो गए और मैं अकेले यहाँ बैठा हुआ वीडियो बना रहा हूँ। अब शाम में सब लोग उठेंगे, फिर देखते हैं क्या करना है। पहला दिन है आज, पहले दिन दावत नहीं है क्योंकि पहले दिन सबके यहाँ कुर्बानी अक्सर होती है, तो हम लोग पहले दिन दावत नहीं करते हैं क्योंकि फिर लोग थक जाते हैं। मेरे घर पर दूसरे दिन दावत है, तो उस दावत में भी हो सकता है आप लोग मेरे साथ ही हो। खैर मूविंग फर्दर, कल मुझे एक पार्सल रिसीव हुआ था कशफ आर्ट्स की तरफ से। ये मेरी पूरी फैमिली की तस्वीर उन्होंने मुझे बनाकर भेजी है पेंटिंग में, मुझे काफ़ी क्यूट लगा, एक कार्टून एक कैरेक्टर टाइप का है। तो अगर आप लोगों को भी ये बनवाना है तो मैं इनकी डिटेल्स आपको ज़रूर कैप्शन में दे दूंगा, लेकिन आप लोग ये देखें कितना क्यूट है ये, मुझे तो बहुत ज़्यादा क्यूट लगा है। मैं इसको फ्रेम करा के अपने लाउंज में लगाने वाला हूँ, लगाऊंगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। खैर अभी मुझे भी कपड़े बदलने और मुझे भी जाकर सोना है, तो मैं पहले सो जाता हूँ, फिर उसके बाद रात में मिलते हैं अगर कोई दावत हुई तो। यार असर की नमाज़ पढ़कर अब मैं हो गया हूँ फारिग और उठ गया था मैं 3 और जोहर की नमाज़ पढ़ी, फिर उसके बाद जो है गोश्त आ गया है, वो गोश्त मैं आपको दिखाता हूँ। फिर उसके बाद उसके हिस्से करने थे, मैं तो नहीं करता, अम्मी ने और बाकी सब लोगों ने किए, उन लोगों ने हिस्से किए। अब असर की नमाज अजान नमाज पढ़ ली है, अब जाना है गोश्त बांटने के लिए और फिर उसके बाद रात को मेरी पप्पा के घर पे दावत है तो वहाँ जाना है। तो मैं तैयार होता हूँ, गोश्त दिखाता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। तो यार अब मुकम्मल हो चुका है सारा का सारा काम और सारा गोश्त वगैरह बन गया है, इससे सबके बन गए। अब जो है निकलना है और सारे गोश्त को बांटना है और फिर रात में दावत में जाना है। तो लेकिन कुछ इस तरीके से गुजरी है मेरी ईद कोरोना के बाद। कोरोना से ये इफेक्ट्स पड़े कि हम लोग जो है कुर्बानी घर पे नहीं कर रहे हैं, काफ़ी जगह पे आना जाना होता है, वो नहीं हो रहा है इस दफ़ा। तो बस इंशाल्लाह ताला अगले साल ये होपफुली ये सब कुछ ना हो, और आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस ईद पर तमाम इंसानियत की जितनी भी परेशानी है वो सब ख़त्म हो जाए और सब हंसी खुशी रहें। तो ईद मुबारक वंस अगेन टू यू ऑल। मैं मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में।